दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल आशुरानी पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। अब एक कॉन्ट्रोवर्सी चलती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो एक गलत चीज है, कि मतलब क्यों हो रहा है, कि इसका फॉर्मेशन अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए हुआ था। हम ऐसी बात करते देखते हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये बहुत रेयर चलता है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक विचार समझते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का, जिन्होंने 1900 में ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर गिड़गिड़ाते जा रही है, मैं इसमें अपना योगदान देना चाहूंगा इसके शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए। एक ये हो गया। एक होता है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जो इस समय उग्रवादी है वो बाद में होंगे उदारवादी, ठीक उसी प्रकार जो अभी उदारवादी है वो बाद में होंगे उग्रवादी। ये कांग्रेस से रिलेटेड दो ऐसे फेमस कोट है जो फेमस पर्सनालिटीज ने दिए। आज समझते हैं हम एओ ह्यूम्स रहे एलन ऑक्टेवर ह्यूम्स, जिन्होंने फॉर्मेशन की 1885 इन दिसंबर 22 कांग्रेस की। सबसे पहले हम इनके बर्थ, हम इनकी लाइफ साइकिल को 4 मेन स्टेजेस में बात करेंगे कि इन्होंने 4 ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को एडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, जिसके थ्रू उन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि इंडियन सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा डेवलप किया। स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन सेंट मैरीज केंट्स ऑफ इंग्लैंड। एक्चुअली ही वॉज नॉट अ प्रॉपर ब्रिटिश, ही वॉज अ ब्रिटिश कम स्कॉटिश। हिज ग्रैंडफादर वॉज अ डायरेक्टर इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हिज फादर वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। हिज फादर वॉज एग्रेसिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही वॉज ऑलवेज सपोर्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ही यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पीपल्स। ही स्टडीज इन अ मेडिकल कॉलेज, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज इन इंग्लैंड। देन ही वेंट टू जॉइन इंपीरियल सिविल सर्विसेस, ऑल्सो नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज और बंगाल सिविल सर्विसेज फ्रॉम बंगाल। बोर्न ऑन 4 जुलाई 1829 फ्रॉम इंग्लैंड। हिज फुल नेम वाज एलन ऑलिवर जोसेफ ह्यूज। एंड व्हेन ही बिकेम एज ऑफ 20 ही ज्वाइन इंडियन नेशनल सिविल सर्विसेज। फर्स्ट ही गॉट ज्वाइनिंग फ्रॉम इटावा ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ इन इटावा ही वॉज बीन एज अ कलेक्ट्रॉट, इन विच 1840 टू 1857 ही वॉज द कलेक्ट्रॉट ऑफ। फर्स्ट रोल वॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब सबसे पहले इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप की छवि ब्रिटेन गवर्नमेंट के सामने रखी। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन से काम किए जो कलेक्टर रहे। सबसे पहले इन्होंने अपने खुद के पैसे से हॉस्पिटल्स, 36 गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, जिसमें इन्होंने अपने खुद के कंट्रीब्यूशन, अपना अमाउंट दिया। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, अब इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार कहा कि इंग्लिश इसे कहते थे इट वॉज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी वॉज अ टर्म गिवन बाय ब्रिटिशर्स, बट फॉर इंडियंस इट वॉज अ फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नाउ वेन फ्रॉम बैरकपुर, मेरठ, अवध एंड ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, वेन डिफरेंट सोल्जर ग्रुप अटैक्ड ऑन ब्रिटिश आर्टरीज, दे गवर्नर जनरल्स ऑफिसर्स यूज टू रन अवे फ्रॉम देअर। सिमिलरली ह्यूम्स ऑल्सो रन अवे, ही इन फैक्ट ही यूज टू वियर अ वुमन क्लोथ्स टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अगेन इट वॉज अ फर्स्ट प्लेस, दैट इज इटावा। इटावा वॉज द ओनली प्लेस इन विच द पीस वॉज टेकन वेरी अर्लियर। रिवोल्ट वॉज बीन कोल्ड डाउन, देन अगेन ही ज्वाइंट एज अ कलेक्ट्रॉट, देन इन फर्स्ट ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर वी हैड कंसिडर्ड, एंड आफ्टर दैट इन 1882 ही गॉट रिजाइंड, इन विच ही वॉज बीन प्लेस्ड इन 3 पोस्ट। फर्स्ट एज अ कलेक्टर ऑफ अवध, देन ही वॉज अ कमीशन्ड इन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन द फील्ड, देन ही वॉज इन सेक्रेटेरियन पोस्ट। आफ्टर दैट देन ही यूज टू गेट रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। इन 1883 ही गॉट एन ओपन लेटर रिटर्न टू कोलकाता यूथ लीडर्स, इन विच ही हैड गिवन द आइडिया ऑफ नेशनलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इन विच नॉट ओनली एओ ह्यूम्स, दादा भाई नरोजी एंड अदर मेंबर्स वेर ऑल्सो
देयर। 28 दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे 72 मेंबर्स ने सेशन को अटेंड किया था। 72 मेंबर्स में सिर्फ ह्यूम सी एक अकेले ऐसे थे जो यूरोप से बिलोंग करते थे, बाकी सारे ही इंडियंस या आसपास के रीजन के थे जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम के लिए फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की बात करी। नाउ हिज लाइफ सेकेंड पार्ट, बिफोर ही यूज टू सेट अप कांग्रेस ही वॉज स्टडी ऑफ बर्ड। हिज फर्स्ट वॉज स्ट्रॉ फिदर। ही लॉन्च न्यूज पेपर और अ जनरल कॉल्ड एज स्ट्रॉ फिदर। हिज सेकेंड लाइफ ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी, और ही वॉज ऑल्सो टर्म्ड एज द पॉप ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी। आफ्टर हिज मेडिकल करियर दिस ही यूज टू ट्राइड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन पीपल्स ओवर द ब्रिटिशर्स। सो देन ही कॉल्ड अपॉन द बेंगल यूथ स्टूडेंट्स फॉर ओपन बाय थ्रू ओपन लेटर। नाउ हियर इन कोलकाता ही सेटअप फर्स्ट, नॉट इन कोलकाता बट इट वॉज डिसाइडेड टू पुणे, वेयर इन पुणे देर वॉज अ डिसीज कॉल्ड प्लेग वॉज स्प्रेड। सो दे कैंसल्ड पुणे एंड ट्रांसफर्ड टू मुंबई, इन विच इज देयर कांग्रेस फर्स्ट सेशन वॉज टेकन आउट। हियर इन 1990 द फर्स्ट लेडी फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी लेडी गांगुली वॉज यूज टू गिव अ लेक्चर। फ्रॉम हियर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एंड ऑल्सो फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टेकन, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी वॉज ऑल्सो देयर, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, लिबरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑल्सो नरम दल एंड गरम दल। बट वॉट इंडियन सोसाइटी थिंक ऑफ कांग्रेस हियर फॉर्मेशन, जैसे कि अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि एओयूम्स ने अपने दो और एक तीसरा व्यक्तित्व निकाल लिया। सबसे पहले इन्होंने कलेक्टर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को दर्शाया, दूसरा इन्होंने बर्ड के प्रति इन्वायरमेंटलिस्ट के फॉर्म में अपने आप को दर्शाया, तीसरा अब इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट करना शुरू किया यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस फॉर इंडियन पीपल्स, इंडियन लोगों के लिए, इन्होंने आजादी के लिए बताया। तो अब जैसे कि इंडियन सोसाइटी में ये एक भ्रम फैलाया गया है या एक एजेंडे के थ्रू हुआ है या जो भी हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का जो हुआ क्या हुआ कि ये अंग्रेजों के चमचों के थ्रू हुआ, बट कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था मात्र दो थ्योरी के बेसिस पे, एक सॉफ्ट वाल्व थ्योरी हुई और एक रिलेटिव लाइटनिंग रॉक थ्योरी। सॉफ्ट वाल्व थ्योरी में यह बताया गया कि जब हमारे एओयूम्स थे इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की नींव कुछ इस प्रकार से रखी कि जो उस टाइम के थे गवर्नर जनरल हमारे डरफिन, तो उनको कहा गया कि कांग्रेस विल बी वर्क एज अ मीडिएटर, कांग्रेस मध्यस्थता का काम करेगी कि जो ये लोग आंदोलन करते थे, आंदोलन में होता यूं था कि एक पर्टिकुलर नतीजा नहीं निकल पाता था, इसमें या तो इंडियन पीपल्स मारे जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मारे जाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान होता था। तो फॉर्मेशन यहाँ पे कांग्रेस का ये हुआ कि जो भी आंदोलन होगा कांग्रेस के नेतृत्व में होगा और कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो भी बातचीत होगी वो इंडिया पीपल्स के लिए होगी। तो सॉफ्ट वाली थ्योरी ये कहती थी कि आप मीडिएटर के फॉर्म में बात करिए, और सेकेंड थ्योरी ये थी कि रॉक लाइटनिंग थ्योरी, इसी में भी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस को मान लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और फिर आगे जैसे कि रिवोल्ट हुए ये हुए, धीरे धीरे कांग्रेस फिर अस्तित्व में अपने जो फॉर्म था ऑब्जेक्टिव था और कुछ एम समझते अपन कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। आप जाति भेदभाव को ऊपर रख के आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दें, आपके साथ जो भी हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहा है या आपके खिलाफ हो रहा है उस बात को रखें, और भी बहुत कुछ ऐसे पहलू थे जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का साथ दिया। अब हमने सेफ्टी वाल्व थ्योरी की जब बात की थी तो हम उसमें पॉइंट्स कुछ ऐसे ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि एओयूम्स थे ये अपने आप को पीछे रखते हुए दूसरे लोगों को लीडरशिप को आगे लेके आए थे, इन्होंने बहुत से लोगों के टच में रहते हुए जैसे कि सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हेल्प की थी उन्हें जमीन दिलाने के लिए और उसके फॉर्मेशन के लिए, दादाभाई नौरोजी को हॉल ऑफ फेम के लिए उन्होंने इंग्लैंड भेजा था, वहां पे इलेक्शंस के लिए भी उन्होंने उनकी हेल्प की थी, और उसी तरह एओयूम्स जो थे वो एक अकेले ही यूरोपियन थे जिन्होंने की सिर्फ कांग्रेस के फॉर्मेशन में मदद करी थी, बाकी सारे इंडियंस थे। तो ये जो थ्योरी चलती है पॉलिटिक्स के अंदर कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी, तो ये एक
गलत बात कह सकते हैं हम। दूसरी चीज, वो एक दूरदर्शी पारदर्शी थे। उन्होंने क्या सोचा था कि एक ये लेके गए थे कि 1935 तक इंडिया को फ्रीडम इंडियन के लोगों को दे दिया जाएगा, बट उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने 1947 मतलब मैक्सिमम 12 इयर्स और उन्होंने भारत पे शासन किया है। उनके 72 मेंबर्स में जैसे कि बेनर्जी ब्रदर्स, मनमोहन घोष, लालमोहन घोष और ये सब अदर मेंबर्स थे जो उनके साथ कांग्रेस के फॉर्मेशन में उनके साथ थे। अब हम बात करते हैं कि जब सेशंस होते गए, फिर अब यहाँ पे जब 1906 में कांग्रेस का 1907 में कांग्रेस का लिबरेशन हो गया, दो पार्टीज में नरम दल गरम दल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू दो अलग गुट में बढ़ते चले गए। फिर बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई एंड रेदर देन बहुत सारे काम हो गए फिर इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। फिर एओयूएम्स ने अपना फोर्थ, एओयूएम्स के दो विचार थे, उन्होंने इंडिया कंट्री के लिए अपने दो मेन विचार रखे कि आई एम अ नेटिव इंडियन, इट इज अ वास्ट टर्म दैट ही यूज्ड टू कॉल दैट आई एम अ नेटिव इंडियन, कि मैं इंडियन हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने लोगों की दिक्कत देखी और क्या हो रहा है उनके साथ। एक सेकेंडली एक उन्होंने ये कहा कि इंडिया शुड बी अ ब्लेस्ड नॉट बी अ कर्स, ये स्टेटमेंट उनका बहुत फेमस है जो कि उन्होंने अपने एक पोयम में लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट अपन उनका फोर्थ कैरेक्टर समझते हैं कि जब वो ब्रिटेन वापस चले गए 1912, उनकी 30 जुलाई 1912 में डेथ हो गई, तो उन्होंने वहां पे एक लंदन नेशनल म्यूजियम खोला बोटेनिकल के लिए। तो इसे हमने फोर उनके कैरेक्टर्स देखे उनकी लाइफ के। अब हम अगली वीडियो में समझेंगे इनका दूसरा पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।